सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओप्पो K10 फ़ोन के बारे में, जो कि रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है और आप लोगों को जल्दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यानी कि फ्लिपकार्ट पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में कवर करने वाला हूँ, तो हो सके तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसके अंदर हम लोगों को बेसिकली स्टोरेज के लिए हम लोगों को दो वेरिएंट देखने के लिए मिल जाता है। जो तो हमारा पहला है, मतलब बेस वेरिएंट हम लोगों को मिलता है, वो 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ देखने के लिए मिल जाता है। और जो हमारा हाई वेरिएंट है वो 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ देखने के लिए मिल जाता है। इसमें जो है 4GB 64GB वाला सिस्टम नहीं रखा है कंपनी वालों ने। और अगर मैं इसके कलर की बात करूँ तो इसमें हम लोगों को दो कलर देखने के लिए मिल जाता है, एक ब्लैक कार्बन और एक ब्लू कलर देखने के लिए मिल जाता है। तो और मैं इसके बारे में कुछ डिटेल में आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसके डिस्प्ले के साथ। डिस्प्ले जो है फ्रेंड्स, हम लोगों को इसमें 6.59 इंचेस का डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। फुल HD प्लस डिस्प्ले हम लोगों को इस फ़ोन के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ कैमरे के बारे में, तो कैमरा जो है हम लोगों को 50 MP + 2 MP + 2 MP बैक कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। और अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो फ्रंट कैमरा हम लोगों को 16 MP देखने के लिए मिल जाता है। और अगर मैं इसके प्राइजेस की बात करूँ फ्रेंड, जो 6 GB रैम वाला हमारा फ़ोन है उस वो हम लोगों को 15,000 के अंदर मिल जाता है, मतलब 14,990 रुपीज़ में मिल जाता है। और जो 8 GB वाला फोन है वो 17,000 के अंडर मिल जाता है, मतलब 16,990 रुपीज़ में हम लोगों को वो फोन भी देखने के लिए मिल जाता है। और अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूँ तो जो इसका प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर 680 आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। 680 प्रोसेसर है तो आप लोग अच्छी खासी गेमिंग तो कर ही सकते हैं इसके अंदर, मतलब बेसिक गेमिंग। मैं इतना हाई ग्राफिक वाला गेमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक गेमिंग जैसे कि पबजी हुआ, COD हुआ, ये आप लोग नॉर्मल सेटिंग करके आप लोग ये सब इसमें खेल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स इसके बैटरी के बारे में, तो जो इसका बैटरी है 5000 mAh की हम लोगों को बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। और 33 W का हम लोगों को बॉक्स में चार्जर भी देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप लोग समझ लीजिए 5000 mAh की आप हम लोगों को बैटरी मिल रहा है इसमें और 33 W का चार्जर मिल रहा है, तो 5000 की जो बैटरी है हमारी वो कम से कम 1 से लेकर 1.5 दिन तक तो आराम से सर्वाइव कर लेगी फ्रेंड। और अगर बैटरी कम होती है तो चार्जर तो है ही, वो भी फास्ट चार्जिंग हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। और अगर मैं इसके डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन इसका जो है स्क्रैच रेसिस्टेंट आप लोग कह सकते हैं, जो कि हम मैं देख पा रहा हूँ इधर स्क्रैच रेसिस्टेंट है और बहुत ही अच्छा यूनिक डिज़ाइन ओप्पो वालों ने निकाला है। और अगर मैं इसके स्पीकर की बात करूँ तो इस फ़ोन में जो हम लोगों को स्पीकर मिलता है वो ड्यूअल स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। और जो फिंगरप्रिंट है हम लोगों को साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिल जाता है फ्रेंड्स। और एक बात, इसका जो वेरिएंट हम मैंने आपको बताया 6 GB रैम 128 GB या 8 GB रैम 128 GB, उसमें आप लोगों को 5 GB तक एक्सपेंडेबल रैम देखने के लिए भी मिल जाता है, जो कि कंपनी वालों ने बहुत ही अच्छा काम किया है फ्रेंड्स। और अगर मैं फिंगरप्रिंट की बात करूँ फ्रेंड्स, तो फिंगरप्रिंट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिल जाता है। हम लोगों को कुछ ऐसा बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। बॉक्स में हम लोगों को मिलेगा एक चार्जर मिलेगा 33 W का, USB टाइप सी केबल मिलेगा, एक ट्रांसपेरेंट कवर मिलेगा और बॉक्स जो रहेगा वो कुछ हमारा इस टाइप का दिखेगा फ्रेंड्स। तो यही था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम लोग ऐसे ही रिव्यू के रिलेटेड, अनबॉक्सिंग के रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।